नमस्कार, आइए इस कलात्मक हाथ पर हाथ डालते हैं, निगाह डालते हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये एक लंबा किस्म का हाथ है, और मैंने अपने एपिसोड्स में कहा है, जिसमें मैं ज्योतिष, इसमें मैं हस्तरेखा सिखलाता हूँ, तो मैंने कहा जब लंबे किस्म का हाथ होता है तो ऐसा व्यक्ति समाज में अपने आप को स्थापित कर लेता है, और ऐसा व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए खड़ा हुआ होता है। तो यहाँ ये अपने आप में बहुत अच्छा इंडिकेशंस, और साथ ही साथ ये जो आपकी कनिष्ठ उंगली है, इसका आखिरी पर्व जाकर के लगभग लगभग सूर्य पर्वत तक छू गया है, तो ये अपने आप में एक अच्छी बुद्धि के लिए जो माना जाना चाहने वाला चिन्ह है, ये आपके पास में मौजूद है। तो यहाँ दूसरे सूर्य की उंगली देखिए, दूसरे की सूर्य उंगली भी यहाँ पर जो बृहस्पति की उंगली से लंबी उंगली है, यानी कि ये एक बात पक्की तरह से इंडिकेशन हो गई कि ये व्यक्ति जब इतनी अच्छी उंगली लेकर के पैदा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति समाज में यश प्राप्त करता है, और समाज के कल्याण के लिए ईश्वर ने उसको पैदा किया है, और वो आत्मा से बहुत ही सुंदर स्वस्थ शरीर लेकर के, आत्मा लेकर के पैदा होता है। बात कर लेता हूँ शनि पर्वत की, और शनि पर्वत पर यहाँ यदि देखें तो यहाँ पर ये इस तरीके से कर्व भी आए हैं, तो ये यहाँ पर तीन जोड़ के बाद चार चार जोड़ दिखाई देते हैं। तो ये है, ये कहते हैं जीवन के अंदर उतार चढ़ाव, यानी कि आपको जीवन में उतार चढ़ाव के साथ में जाके, संघर्षों के साथ में ये व्यक्ति अपने आप को स्थापित करता है, तब अपने धन को स्थापित कर पाता है। बात कर लेते हैं बृहस्पति की उंगली की। बृहस्पति की उंगली का झुकना इधर की तरफ नहीं है, लेकिन पूरी तरीके से शनि से सट करके चली गई है, तो ये भी अपने आप एक अच्छा इंडिकेशन है धर्म के साथ साथ सम्मान प्राप्त करने का। तो चलिए आपके यहाँ पे फिर सीधे सीधे पर्व की ओर आते हैं। यहाँ बुद्ध पर्वत, और बुद्ध पर्वत बिल्कुल यहाँ इनका जो पर्वत है वो सब के सब पर्वत एकदम अनुकूल खड़े हुए, ना कोई दबे हुए हैं, ना कोई खड़े हुए उठे हुए हैं। तो यहाँ इनका बुद्ध पर्वत अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशन लेकर के आ रहा है कि आप अपने ज्ञान के द्वारा आप अपने को सम्मान के साथ साथ धन भी अपने ज्ञान से कमा लेंगे। बात कर लेता हूँ आपके सूर्य पर्व की। सूर्य पर्व भी आपका सम्मान है। पर्वत का सम्मान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, उठा और गिरा होना अपने आप में नुकसान का सौदा होता है। और यहाँ पर एक नीचे ट्रायंगल भी बन रहा है, इनके सूर्य के नीचे एक यहाँ पर ट्रायंगल भी बन रहा है नीचे की तरफ, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल भी बन रहा है। ये ऐसा ट्रायंगल व्यक्ति को समाज में सम्मान दिलाता है, उसको नाम दिलाता है। तो ये अपने आप में एक अच्छा इंडिकेशंस यहाँ देखने के लिए मिला। बात करता हूँ शनि पर्वत की। शनि पर्वत पर यदि मैं देखूँ तो शनि पर्वत पर मेरा जो कहना है वो ये है कि भाई देखिए, धन का स्वामी धन तक पहुँच जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ रेखा देखता हूँ तो मुझे कुछ हल्की रेखाएँ दिखने देती हैं, इसका मतलब होता है धन आता है और धन का इन्वेस्टमेंट भी लगातार साथ के साथ बना रहता है। तो धन का आना जाना इनके जीवन में ये सब लगा रहेगा, ये यहाँ पर ये इंडिकेशन दिखाता है। बात कर लेते हैं आपके बृहस्पति पर्व की। बृहस्पति पर्व पर यहाँ ब्रैकेट भी हैं, त्रिकोण भी हैं, और ये इस तरीके से रेखाएँ जो ये खड़ी हुई हैं ये निश्चित रूप से इस बात को दर्शाती हैं कि समाज सेवा के लिए व्यक्ति पैदा हुआ है, और समाज सेवा के साथ साथ धन का अर्जन भी वो कर सकता है यदि वो समाज सेवा के साथ साथ जुड़े हुए कामों से। साथ ही साथ व्यक्ति के पास अपना मकान भी होता है और अपना स्थान भी होता है। तो चलिए यहाँ पर हो गया, बात कर लेता हूँ मैं यहाँ पर आपके पर्व की। ये आपका शुक्र का अंगूठा, और शुक्र के अंगूठे का यहाँ पर ये इस तरीके से जो जोड़ है, ऊपर वाले में भी रुकावटें हैं, नीचे वाले में रुकावटें हैं, तो यहाँ इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पाएगी। जो इच्छाएं आप चाहते हैं उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पे कट इच्छा पर्वत पर इस तरह के लगे हुए हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ दूसरे पर्व की, तर्क की, तो तर्क वाले पर्वत भी रेखाएँ काट रही हैं, तो ज़रा बुद्धि से सही तरीके से काम लें। तो इसमें यह है कि ऐसा नहीं है कि हर बात आपकी व्यक्ति मानेगा ही मानेगा, कुछ विरोधी भी आपको मिल जाएंगे। ये मैंने आपके पर्वों को बोला। अब मैं बात कर लेता हूँ आपके सवाल के साथ साथ आपके पर्वतों के बारे में। देखिए, आपने पूछा कि मेरा बाएं हाथ से मैं काम करता हूँ तो क्या मेरा हाथ जो देखा जाएगा वो बायां हाथ देखा जाएगा या सीधा हाथ देखा जाएगा। बिल्कुल, मैं आपको बता दूँ कि जो हृदय होता है, सिर्फ एक ही व्यक्ति का हाथ बायां देखा जा सकता है पुरुषों में केवल,
यदि किसी किसी के साथ में कभी भगवान ऐसी घटना करते हैं कि उसका जो दिल होता है वो भी राइट में हो जाता है, तो यदि दिल किसी का राइट में, ऐसे केस हजारों करोड़ों करोड़ों में मिलते हैं, तो ये भी होते हैं वो व्यक्ति जो होते हैं उनके ही हाथ केवल जो देखे जाते हैं वो लेफ्ट देखे जाते हैं, बाकी सभी व्यक्तियों के हाथ राइट के ही देखे जाते हैं। तो आपका, मैंने जो है दाएं हाथ दिया है, बाएं हाथ के प्रिंट भी मेरे सामने हैं। चलिए दूसरा बात पूछिए आपने, राजनीति में भविष्य। मैं 2021 में इलेक्शन लड़ने जा रहा हूँ। देखिए भाई साहब, मैं आपको सलाह दूंगा कि मुझको यहाँ पर राजनीति वाले ऐसे कोई भी जो रेखाएं हैं वो दिखलाई नहीं पड़ रही कि आपको राजनीति में जाकर के सफलता मिलेगी। यश और मान और सम्मान, ओहदा, ये आपको मिलेगा, लेकिन अगर मैं बात कर लूँ कि यहाँ आपकी इच्छा पूर्ति होगी, तो मैंने अंगूठे पर भी देखा, वहाँ भी कई तरह के कई चिन्ह आ रहे थे। तो ये राजनीतिक भविष्य के लिए मैं आपसे कहूँगा कि इसमें आप, मर्जी है आपके, हाथ पर आजमा सकते हैं। आप इसमें अच्छे पद प्राप्त कर सकते हैं, प्रधानी तक जा सकते हैं, मेंबरी तक जा सकते हैं, ऊंचा पद ले सकते हैं अपने प्रदेश में, लेकिन मुझे एमपी एमएलए वाली हिसाब किताब यहाँ हाथ के अंदर नज़र नहीं आ रहा है। तीसरा सवाल है आपका, कर्ज कब उतरेगा? देखिए, आपके जो धन पर्वत है, इस धन पर्वत की जो रेखाएं खड़ी हुई हैं, ये धन को आना और धन का जाना। तो कर्ज, जहाँ तक उतरने का सवाल है, कर्ज आप उतार जाएंगे, लेकिन अभी आप उसको, उसमें 6 से 7 साल आपको लगेंगे और उतार जाएंगे, क्योंकि आपके पास धन आएगा और धन जाएगा, तो उतार पाएंगे, ऐसा यहाँ पर मंगल के पर्वत से भी दिखाई दे रहा है। आपने पूछा बच्चों का कारोबार सुख। देखिए, बच्चों का सुख आपके हाथ में है, बच्चों का कारोबार जो है वो आपके हाथ से नहीं देखा जा सकता, वो बच्चों की जन्मपत्री बताएगी या बच्चों का हाथ बताएगा। अगला सवाल है आपका, रत्न कौन सा पहने? मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इस उंगली में एक अच्छा सा मूंगा धारण करें। आप यदि चाहें तो वो मूंगा हमारे यहाँ से भी मंगवा सकते हैं, अच्छी क्वालिटी का, हम बना करके आपको भेज देंगे। आपने कहा कि जी, मैं, मुझे बहुत सारे समाज वाले लोग, दरबार वाले लोग मुझे सम्मानित करना चाहते हैं। आपकी आयु रेखा से ये रेखा निकली यहाँ से और सीधी चली गई बृहस्पति पर, ठीक है? इधर आपकी सूर्य रेखा निकली और यहाँ सूर्य रेखा जाकर के ऊपर समाज में पहुँच गई। भाई साहब, बिल्कुल उनसे सम्मानित होइए, क्योंकि आप समाज के कल्याण के लिए पैदा हुए हैं, और समाज की उन ओहदों को, जो ओहदे इतने ऊंचे हैं कि इन पे आप बैठेंगे, क्योंकि बृहस्पति पर ये रेखा सीधी आयु रेखा से निकली है, कि एमपी एमएलए तो आपको अपने वैसे आप ही सलाम कर लेंगे आकर के, तो यहाँ पर ये सम्मान जो प्राप्त करना है आपको करना चाहिए। अब पूछा आपने व्यापारिक रेखा के, व्यापार के बारे में। देखिए, मैं यहाँ पर, मैंने देखा कि एक यहाँ पर ये रेखा जो बनी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक रेखा ये व्यापार की भी बनी हुई है। व्यापार से आप जुड़े होंगे जरूर, और व्यापार से आपको लाभ भी जरूर मिला होगा, तो व्यापार तो का तो आपके अंदर व्यापारिक गुण आप अंदर समाया हुआ है, और आप अगर जुड़े रहें तो उसमें पैसा भी कमा सकते हैं। पति पत्नी में से मृत्यु किसकी पहले? चलिए, मैं पहले आपकी आयु रेखा देख लेता हूँ। ये आपकी आयु रेखा, और साथ ही यहाँ से इस आयु रेखा में एक कवर अप मंगल का मिला है, यहाँ से ये रहा, जहाँ खत्म हुई यहाँ से मंगल का गिर गया, ये मंगल का कवर आपको मिल गया है, और ऊपर में आपकी पत्नी की, तो मैंने नीचे देख लिया, ऊपर में आपकी पत्नी की रेखा। देखिए, ये आपकी मंगल रेखा, ये आपको सब रोगों से, सब कष्टों से, आपको बीमारी से, झटकों से, सब चीज़ से निकाल करके ले जाएगी। ये संजीवनी रेखा आपके हाथ में है। पत्नी की रेखा देख लेते हैं, ये पत्नी की रेखा है, ये पत्नी की रेखा यहाँ पर गई, और यहाँ पर जा करके देखने में लगता है कि पत्नी की मृत्यु लगभग लगभग 78-79 वर्ष में, और अभी तक उनके हाथ की ये रेखा बनी है, देखने में लगता है उनकी मृत्यु पहले होगी, और आपकी जो आयु है वो लगभग लगभग 84-85 साल के हाथ में दिखाई पड़ रही है। आगे भी ये रेखाएं हालांकि बढ़ जाती हैं, तो वो मैंने रेखा पत्नी वाली भी दिखला दी है आपको, उसमें देख लेना, वैसे अभी पत्नी की होगी, ज्यादा लग रहे हैं। तो आपकी मैंने आयु रेखा देखी, मस्तिष्क रेखा देख लीजिए थे, मस्तिष्क रेखा निकली
और जाकर के चंद्र पर्वत पर पहुंच गई। चंद्र पर्वत भले ही बिल्कुल स्पष्ट है, एकदम यहाँ पर कोई रेखा भले ही ना सही, लेकिन एकदम इसकी लालिमा स्पष्ट है। कोई मानसिक रोग नहीं, कोई डिप्रेशन नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, दिमाग से संबंधित, और अच्छा दिमाग है, इसका इस्तेमाल कीजिए और समाज में नाम कमाइए। आपके पास ये रेखा है। बात कर लेते हैं आपकी भाग्य रेखा की। देखिए ये भाग्य रेखा यहाँ से निकली और सीधी भाग्य रेखा आखिर तक जा कर के अगर मैं देखूँ तो बिल्कुल अंत तक चली गई है। तो भाग्य ने तो आपका हमेशा ही साथ दिया है। ये एक बात, दूसरी है कि हर आदमी ये चाहता है कि मेरे पे और ज़्यादा हो और ज़्यादा हो, तो ये दूसरी बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको भाग्य ने कभी साथ नहीं दिया। भाग्य के पास ईश्वर कृपा से आप पे धन सम्मान हमेशा बना रहा है, चाहे जरिए उसके कुछ भी क्यों ना रहे हो। तो आशा करता हूँ आपके मैंने सभी सवालों का आपको जवाब दे दिया होगा। फिर भी कोई सवाल यदि आपका रह गया तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नमस्कार।